हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का ये टाइम है और मायके में मेरा आज तीसरा दिन हो चुका है आए हुए। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तो खाने में बना रही हूँ दाल चावल अरवी की सब्ज़ी रोटी, और साथ में आज मैं बनाने वाली इडली और चटनी। मैं नाश्ते में अक्सर इडली और चटनी सुबह के टाइम बनाती हूँ, तो मम्मी कह रही थी कि तुम इडली बनाती हो, वीडियो में देखते हैं आज यहाँ पर भी बनाओ। सांभर मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि सांभर के लिए बहुत सारी सब्जियाँ लगती हैं, तो उतनी सब्जियाँ इस वक्त फ्रिज में है नहीं, और सांभर बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, नाश्ते में अक्सर बनाती हूँ अपने यहाँ। तो आज मैं सूजी वाला ही घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि सूजी वाला बहुत ज़्यादा फटाफट बन जाता है, झटपट बन जाता है, और उड़द दाल चावल वाला जो है वो पूरा लग जाता है 12-15 घंटे, तो इसलिए मैं बनाऊंगी। तो पहले सोचा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि भाई को जाना था कहीं बाहर, तो इसलिए फटाफट मैं पहले खाना ही बना रही हूँ। सबका चाय हो गया था तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में अरवी की सब्ज़ी के साथ साथ यहाँ गांव में इस समय आम, जिधर देखो आम ही आम, तो मैं एक बड़ा सा आम डाल दी हूँ, जिससे अरवी की सब्ज़ी थोड़ी सी जो उसमें रहती है गले में खराश वराश करती, थोड़ा सा खुजली टाइप का होता है अरवी की सब्ज़ी से किसी किसी को, तो हमारे यहाँ खटाई ज़रूर पड़ती है, तो खटाई की जगह मैंने एक खड़ा आम डाल दिया, जिससे मैंने सोचा मैं और मम्मी तोड़ तोड़ के ले लेंगे, क्योंकि भाई खटाई नहीं खाना पसंद करते हैं सब्ज़ियों में। तो यहाँ पर मेरा लड्डू के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा मैगी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि नानी के घर आते हैं तो उनका मैगी ही नाश्ता होता है, तो थोड़ा सा मैगी बना दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जी बन गई है, सब्जी बन गई है, और दाल मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि भाई मेरा सिर्फ अरवी की सब्ज़ी उसको नहीं पसंद, उसके साथ मैं उसके लिए दाल भी बनाई हूँ टमाटर डाल के। फिर यहाँ पे फटाफट चावल भी सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि बनाना है इडली भी। इडली को मैंने कढ़ाई में सूजी जो है अभी भिगो दिया है, फिर उसमें थोड़ा सा दही भी मिक्स करके फेंट दिया, अच्छे से सेट हो गया। बस इसमें इनो मिला के फिर स्टैंड में सेट करके रखना, बहुत ही झटपट सूजी का जो इडली है नाश्ते में बनके रेडी हो जाता। मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हफ्ते में एक दो बार नाश्ते में बना देती इडली और चटनी, चटनी ही बनाती सुबह सुबह, कितना जल्दी कहाँ और कुछ बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनो मिला दिया और फटाफट मैं सारे स्टैंड में इडली को सेट कर दूँगी। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, सूजी को मैंने 10 मिनट भिगो दिया था, उसके बाद मैंने दही थोड़ा सा पानी मिला के उसको सेट करके फिर उसको मिला दिया था, अच्छे से फेंट लिया था। फिर जब बनाना हुआ तो इसमें मैंने डाल दिया इनो, अगर इनो ना हो तो बेकिंग सोडा से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये जो इडली बैटर है वो तैयार हो गया था। फिर मैं फटाफट स्टैंड में सबको सेट कर रही हूँ, और फटाफट हमारी इडली जो है अभी 5 से 7 मिनट में हो जाएगी। सूजी वाली इडली बहुत ही झटपट बनती है, मेरा फेवरेट है, मैं बहुत ही मज़े से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो हमारी इडली है हो गई है, एक बार और रखने भर का भी हमारा बैटर बचा हुआ है, तो पहला वाला मैं निकाल दे रही हूँ, सबको सर्व कर दे रही हूँ। मम्मी है, मैं हूँ, बाबू हैं, और बर्तन धुलने वाली की बेटी है, तो सारे लोगों के अभी मैं निकाल दूँगी। और देखिए गर्मा गर्म हमारी इडली जो है बन के एकदम से यमी यमी से रेडी हो। मैंने उसके साथ रेड टमाटर, रेड लाल मिर्च, और उसमें मूंग दाल थोड़ा सा डाल के, लहसुन मिर्चा डाल के चटनी बनाया है। मुझे दाल और टमाटर वाली मिक्स करके चटनी जो बनाती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। मूँगफली और नारियल की चटनी उतना मुझे नहीं पसंद है, वैसे तो अच्छा होता ही है, तो मैं अपना फेवरेट का ही चटनी बनाई थी। और यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा चखा कि दही ज़्यादा तो खट्टी तो नहीं हो गई है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा खट्टा हो जाने से बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती, फ्रिज का पानी नहीं पीती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ कैसा है। फिर एक बार निकाल दिया था, सबको दे आई, उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर से इडली स्टैंड में इडली को सेट करके और अपने लिए भी इडली लेके जा चुकी हूँ। तो यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना इडली जो है फिनिश कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था, सभी लोग कह थे। फिर अभी मैं इडली फिनिश की हूँ, और ये है शाम के टाइम का वीडियो, और मैं शाम को बना रही थी खाना। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं एक कॉटन का दुपट्टा या कपड़ा ज़रूर अपने पास रखती हूँ, जिससे पसीना खाने में ना गिर जाए, इधर उधर ढुगर के ना जाए। बहुत ही ज़्यादा आजकल खुजली वाली गर्मी शुरू हो गई है, एकदम चुनचुनाहट रहती है, तो इसलिए फटाफट खाना बना के मैंने सोचा निकल जाती हूँ छत पे। तो ये था मेरा छोटा सा अमाई की ब्लॉग, आप लोग को उम्मीद करते हैं पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।